चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं सेल्स के बारे में। एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज आल्सो एन इलेक्ट्रिकल सेल। सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो ड्राइव केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को ही हम इलेक्ट्रिकल सेल बोलते हैं। वो सेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता हो और इसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन होती हो, उसको हम सेल्स बोलते हैं। वन आर मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बैटरीज। एवरी सेल हैज टू टर्मिनल्स नेमली। दो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मिला करके हम इसको क्या करते हैं, बैटरी बनाते हैं। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करेंट फ्लोज इन फ्रॉम आउट। इट प्रोवाइड्स एन इनकमिंग चैनल फ्रॉम द करेंट टू एंटर द सर्किट और द डिवाइस। जब भी किसी सर्किट में या कोई डिवाइस में करेंट एंटर करता है तो एनोड वो एक टर्मिनल होता है जिसमें करेंट क्या करता है, करेंट फ्लो होता है और इसको हम एनोड बोलते हैं। और कैथोड इज द टर्मिनल वेयर फ्रॉम द करेंट फ्लोज आउट। इट प्रोवाइड्स एन आउटगोइंग करेंट फ्लो द सर्किट आर डिवाइस। किसी भी करेंट सर्किट या किसी भी डिवाइस में कैथोड का वो टर्मिनल होता है जिसमें करंट को आउटगोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले सेल्स होता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो होती है उसी को ही इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, जो कि सेल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जिसमें केमिकल रिएक्शन को बनाया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मिला करके बैटरी बनाई जाती है। बैटरी के दो टर्मिनल्स भाग होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इनकमिंग होती है, और कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटगोइंग होते हैं। सो इसको ये होता है सेल्स। सेल्स को अगर हम समझें, सेल्स ये है, एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक सेल। सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो ड्राइव्स केमिकल रिएक्शंस। वन आर मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बैटरीज। एवरी सेल हैज टू टर्मिनल्स नेमली। फर्स्ट इज द एनोड। एनोड इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करंट फ्लोज इन फ्रॉम आउट। इट प्रोवाइड्स एन इनकमिंग चैनल फ्रॉम द करंट टू एंटर दिस सर्किट एंड और द डिवाइस। कैथोड इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करंट फ्लोज आउट। इट प्रोवाइड्स एन आउटगोइंग करंट फ्लो द सर्किट आर द डिवाइस। फिर आता टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अवेलेबल एंड सम देम आर एज फॉलोज। इसके डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक सेल्स, दूसरा फ्यूल सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, फोटोवोल्टेक सेल्स, सोलर सेल्स, स्टोरेज सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स। ये सेल्स के टाइप होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल, फ्यूल सेल, सेकेंडरी सेल, गैल्वेनिक सेल, फोटोवोल्टेक सेल, सोलर सेल, स्टोरेज सेल और प्राइमरी सेल। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।